हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआर क्लासेस। इस वीडियो में हम मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जानते हैं रोग यानी डिजीज़ ये क्या होता है। तो अ डिजीज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट निगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी। रोग यानी कि हमारे शरीर की ऐसी स्थिति, ऐसी दशा जिसमें प्रॉपर फंक्शन ना हो पा रहा बॉडी के द्वारा। रोग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग होता है और दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग यानी कॉग्निशियल डिजीज़ और उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज़। अब जन्मजात रोग के बारे में हम जान लेते हैं। जन्मजात रोग यानी जन्म से पहले का रोग जन्मजात रोग कहलाता है, और उपार्जित रोग यानी जन्म के बाद जैसे हमें बीमारियां होती हैं उसे हम उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। तो जन्म से पहले जो रोग होता है, जैसे कि अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिकल डिजीज़ हमें कहते हैं, जेनेटिकल डिजीज़ जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया या सिंड्रोम हो गए, ये सभी अनुवांशिक रोग हैं। यानी कि जन्म से पहले माता पिता से उनकी संतानों में ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसको अनुवांशिक रोग कहा जाता है। एक्वायर्ड डिजीज़ यानी उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक या संचारी रोग कहते हैं जिसे, और दूसरा है असंक्रामक यानी असंचारी रोग। संक्रामक यानी कि ऐसा बीमारी जो कि फैलता हो, जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, इसीलिए इसको हम संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। और दूसरा है असंक्रामक या असंचारी रोग, जिसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता नहीं है। संक्रामक रोग का उदाहरण है, ये जीवाणु, कवक या विषाणु या प्रोटोजोआ या कृमि के द्वारा फैलाया जाता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि असंचारी रोग, जैसे कि हृदयघात या गठिया इत्यादि हैं। अब इन सभी एक एक करके इन सभी बीमारियों के बारे में हम जान लेते हैं। अब अनुवांशिक रोग, तो इसको याद करने का ट्रिक है, शिव ही सुंदर है। सी से होता है सिंड्रोम, व से होता है वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, और ही से होता है हीमोफीलिया। सिंड्रोम तीन टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या पटाऊ सिंड्रोम। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें वाहक स्त्रियां होती हैं और प्रभाव पुरुषों पर पड़ता है। अब कवक जनित रोग को याद करने का ट्रिक देखते हैं, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से आपको गंजापन याद रखना है, दमाद से आपको दमा और दाद याद रखना है, खाए यानी खाज, और फ्रूट से आपको एथलीट फ्रूट नाम की बीमारी याद रखनी है। ये सभी रोग कवक यानी फंगस के कारण होता है। अगला हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग को याद करने का ट्रिक है, पापा मैं कल सो गया। पा से आपको पायरिया याद रखना है, पा से पेचिस, मैं से मलेरिया याद रखना है, कल से काला अजार या जिसे डमडम बुखार या सैंड फ्लाई के कारण ये होता है, इसको आपको याद रखना है। सो गया से आपको निद्रा रोग याद रखना है, और ये सीसी फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। अगला है जीवाणु जनित रोग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका ट्रिक है, हे सिमरन मैं टीबी और डीबीडी का प्लग टिका दूं। हे से आपको हैजा याद रखना है, सी से सिफिलिस, म से मेनिनजाइटिस, र से रेनबो ट्राउस, न से निमोनिया, म से मियादी बुखार, ट
टीबी से आपको क्षय यक्ष्मा या तपेदी जिसे टीबी भी कहते हैं ये रोग याद रखना है। डी से डिप्थीरिया होता है। बी से फूड पॉइजनिंग आपको याद रखना है। का से काली खांसी और प्लग से आपको प्लेग रोग याद रखना है। टी से टेटनस और का से कुष्ठ रोग। ये सभी बीमारियां जो हैं बैक्टीरिया के कारण होती हैं। अब विषाणु जनित रोग, विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है जा ऐड कर 2 बूंद जिंदगी की। रे से रेबीज याद रखना आपको। खा से खसरा। 6 से छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। इन से इन्फ्लुएंजा। 4 से चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। और का से आपको COVID-19 याद रखना है। टो से ट्रोकमा। पी से पीलिया और म से मेनिनजाइटिस। ह से आपको हर्पीज याद रखना है। गा से गलसुआ यानी मम्प्स होता है। और जा से जापानी इंसेफ्लाइटिस। ए से आपको एड्स याद रखना है। ड से डेंगू। कर से रुबेला। और 2 बूंद जिंदगी की, इससे आपको पोलियो याद रखना है। तो ये सभी रोग वायरस के द्वारा होता है। अब मच्छर जनित रोग आपको याद रखना है। तो मच्छर से होने वाले रोगों के नाम हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये सभी रोग मच्छरों के काटने के कारण होते हैं। अगला है जल से होने वाले रोग के बारे में हमें पढ़ना है, यानी जल जनित रोग। तो इसका ट्रिक है, हैप्पी पेड़ा फूटा है। है से आपको हैजा याद रखना है। प से आपको पीलिया याद रखना है। पी से आपको पेचिस याद रखना है। ड से डायरिया होता है। फू से फ्लोरोसिस होता है। और ट से टाइफाइड होता है। तो ये सभी रोग जल के कारण होता है, दूषित जल पीने के कारण ये सभी रोग होते हैं। अब रोग संबंधित प्रमुख जांच के बारे में जान लेते हैं। तो कॉर्निक्वेट टेस्ट डेंगू के लिए किया जाता है। सीक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। डीक टेस्ट लाल बुखार के लिए किया जाता है। इश्क यारा टेस्ट कलर विजन के लिए किया जाता है। हेस्टमीन टेस्ट कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। HbA1c टेस्ट मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट हार्ट फंक्शन के लिए किया जाता है। गोल क्वांटी फेरॉन ये 6 रोग के लिए किया जाता है। वाइडल टेस्ट थायराइड के लिए किया जाता है। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट कालरा के लिए किया जाता है। बरोइंग टेस्ट स्केबिज के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। और RT-PCR टेस्ट कोविड के लिए किया जाता है। अब रोग से संबंधित टीका एवं उनकी खोज के बारे में जान लेते हैं। तो स्मॉल पॉक्स की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। कलरा की खोज लुई पाश्चर, जिसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने की है। टिटनेस की खोज एडोल्फ बेहरिंग ने की है। और डिप्टीरिया की भी खोज एडोल्फ बेहरिंग ने की है। रूबेला की खोज रूबेला द्वारा की गई है। 6 रोग इसकी खोज कालमेट ग्लूरीन द्वारा की गई है। खसरा की खोज थॉमस पीबल द्वारा की गई है। रेबीज की खोज लुई पाश्चर द्वारा की गई है। थायराइड बुखार इसको राइट ने खोजा है। निमोनिया स्मिथ द्वारा खोजा गया है। काली खांसी बारडेट द्वारा खोजा गया है। एंथ्रेक्स की खोज पाश्चर द्वारा की गई है। इन्फ्लुएंजा की खोज साल्क द्वारा की गई है। मम्प्स की खोज हिलमैन द्वारा की गई है। चिकन पॉक्स की खोज ताकाहासी द्वारा की गई है। और मेनिनजाइटिस की खोज स्मिथ द्वारा की गई है। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे आप शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।